तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चरवाहे कौन होते हैं, ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। सो पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक काल ने इंडिया के चरवाहों को कैसे प्रभावित किया और फिर हम बात करेंगे इंडिया से अलग देश अफ्रीका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट इन द माउंटेन द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पेस्टोरलिस्ट को हम गुज्जर बकरवाल कहते हैं। दिस कम्युनिटी सेटल हेयर इन द 19th सेंचुरी, यानी ये समुदाय 19वीं शताब्दी में यहाँ आकर बस गया था। ये लोग गर्मी व सर्दी के अनुसार मूवमेंट करते थे। जैसे ठंड के सीजन में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से घिरे होते थे तब ये शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियों में आकर बस जाते थे, और जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होता था तब ये वापस पहाड़ों की ओर चले जाते थे। इस तरह की मूवमेंट ही हिमाचल प्रदेश के पेस्टोरलिस्ट करते थे। वे ठंड शिवालिकों में व लाहौल स्पीति नामक एक स्थान पर बिताते थे। हिमाचल के चरवाहों को गद्दी कहते थे। इसी प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर पेस्टोरलिस्ट सर्दियां भाबर के सूखे जंगलों में व गर्मियां ऊपरी घास के मैदान बुग्याल में बिताते थे। अब ये बुग्याल और भाबर होते क्या है? बुग्याल 12,000 से भी अधिक ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं और गढ़वाल और कुमाऊं के निचले सूखे जंगलों के इलाके को भाबर कहते हैं। अब इन्हीं में ही भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जैसे समुदाय ग्रेजिंग लैंड की हरियाली के समाप्त होते ही नए ग्रेजिंग लैंड की खोज में निकल पड़ते थे। ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड डेजर्ट द धांगर्स ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जो मानसून में मिडल प्लेट्यू में रहते हैं और अक्टूबर में कोंकण की ओर जाना शुरू कर देते हैं। कुरुमा एंड कुरुबा कम्युनिटी बिलोंग्स टू कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये लोग भी मवेशी चराते और मौसम के अनुसार दूसरी जगह जाया करते हैं। बंजारे कम्युनिटी बिलोंग्स टू यूपी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये लोग भी ग्रेजिंग लैंड के लिए काफी जगह जाते हैं। राजस्थान की पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी को हम राइका कहते हैं। ये लोग अपने मवेशियों से सुविधाएं भी प्राप्त कराते थे और आखिर में ये भी चरगाहों की तलाश में निकल जाते थे। अब ये लोग काफी जगह पर आते जाते थे, इसलिए इन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। जैसे कि ये ऐसी जगह पर जाते थे जहां पर पानी उपलब्ध हो, उन्हें उस जगह के लिए किस समय निकलना है, जहां पर चरगाहें उपलब्ध हो, जहां से पैसा भी कमा सके। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरियल लाइफ। दोस्तों अभी तक हमने इंडिया के पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल से क्या बदलाव हुए। तो यहाँ से आपके 3 सवाल बनेंगे जिनमें हम इस टॉपिक को पूरा समझ लेंगे अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू पेस्टोरलिस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल कम्प्लीटली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज्ड। Their grazing land diminished. His activities were controlled. Their trade, craft and agriculture also declined. मतलब कि औपनिवेशिक कानून से इनके चरगाह कम हो गए, गतिविधि को नियंत्रित किया गया, इनके व्यापार, शिल्प और कृषि में गिरावट हुई और उन्हें जो राजस्व देना पड़ता था वो भी बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, What happened after all this happened? All grazing land was converted into agriculture land. The act imposed restriction on their movements. The British coincided with this. He implemented the Criminal Tribes Act in 1871. Taxes were imposed on cattle which went up rapidly. Cattle died due to scarcity of fodder. मतलब इससे लोगों पर एक्ट लगा दिया गया, चरगाहों को अपराधी मानने लगे, चरगाह भूमि को कृषि भूमि बना दिया। और चारे के कारण काफी सारे पशु पक्षी मारे गए। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिले। कुछ ने अपने झुंड में मवेशी की संख्या कम कर दी, कुछ ने नए चरगाह खोजे, कुछ ने जमीन खरीदी और सेटल हो गए, कुछ गरीब किसान ने जीवित रहने के लिए पैसे उधार लिए और धीरे धीरे उन्होंने अपने मवेशियों को खो दिया, अंत में वे मजदूर बन गए। दोस्तों इन 3 टॉपिक से हमने अपने टॉपिक को समझ लिया है। अब हम देखते हैं पेस्टोरलिस्ट इन अफ्रीका, चेंजेस इन द मसाई वे ऑफ लाइफ। मसाई अफ्रीका का चरवाहा समुदाय है जो चरगाहों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं, लेकिन औपनिवेशिक कानून ने इनका जीने का तरीका बदल दिया क्योंकि इससे इनके चरगाह सिमटते जा रहे थे, जिसके निम्न कारण है। जैसे कि क्षेत्रों के विभिन्न भागों में बांटा हुआ था, चरगाहों पर कब्जा करा हुआ था, चरगाहों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, इससे इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अफ्रीका में चरवाहों के काफी टैक्स लगाया गया था और रूल एंड रेगुलेशन लगा रखे थे, यानी उनकी इंडिया से भी ज्यादा बुरी हालत थी और कई जगहों पर जाने
जाने से प्रतिबंध भी था। वह उन्हें घूमने के लिए परमिट लेना होता था, लेकिन इन्हें परमिट उपलब्ध कराया नहीं जाता था, जिससे इनके मवेशी भूख के कारण ही मारे जाते थे, वो भी काफी ज्यादा बड़ी संख्या में। वाय खानबादोश, पेस्टोलिस खानबादोश होते हैं क्योंकि इससे उन्हें सूखे में बचने में मदद मिलती है। अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय में मसाई समाज दो भागों में बटा हुआ था, शासक और योद्धा। शासक शासन करते थे और योद्धा लोगों की सेवा करते थे, वे गांव को कठिनाइयों से बचाते थे। जब अंग्रेजों द्वारा जनजाति व्यवस्था का विरोध हुआ, तब उन्होंने उसका विरोध किया, जिससे दो कार्य हुए। पहला, बुजुर्गों और योद्धाओं के बीच पारंपरिक अंतर टूट गए। दूसरा, अमीर व गरीब के बीच अंतर स्पष्ट और ज्यादा बढ़ गए। दोस्तों, आपकी 9th क्लास में इतना ही है। बाकी आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बेसिकली इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात की है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए बता देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।